बात करेंगे पंचायत प्रतिनिधियों के पावर प्लान को लेकर। जी हाँ, बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को सेवा विस्तार तो नहीं दिया गया, लेकिन नीतीश सरकार ने पंचायती राज कानून में संशोधन करके उनको अधिकार देने का फैसला जरूर लिया है। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को अहम बैठक हुई है और जिसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों को इसके बारे में ये बड़ा फैसला लिया गया और पंचायत चुनाव नहीं होने की हालत में पंचायत ग्राम कचहरी पंचायत समिति और जिला परिषद में परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा। बिहार में 15 जून को पंचायत प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण और ईवीएम विवाद के चलते मार्च अप्रैल में होने वाला पंचायत चुनाव टाल दिया गया है। चुनाव नहीं होने की हालत में सरकार के बीच का रास्ता निकाला है। राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन कर परामर्शी समिति का गठन करेगी और इसमें अधिकारियों और वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक परामर्शी समिति को ही कामकाज के संचालन की शक्ति दी जाएगी। तो चुनाव नहीं होने पर सरकार ने ये बीच का रास्ता निकाल लिया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 15 जून को खत्म होगा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल, जिसके बाद परामर्शी समिति का जो गठन है वो इस पूरे मसले पर चर्चा करेगी, मंथन किया जाएगा। तो पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया है तो परामर्शी समिति का गठन कर दिया जाएगा। एक परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा सभी पंचायतों में, ग्राम पंचायत का जो ग्राम कचहरी है, पंचायत समिति का जो ब्लॉक स्तर पर बैठक होती है उसमें, और जिला परिषद जो जिला में होता है, इसमें एक समिति का गठन किया जाएगा। परामर्शी समिति का गठन होगा जिसके माध्यम से विकास के कार्यों को किया जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पंचायत प्रतिनिधियों को कानून में संशोधन के जरिए पावर दिए जाने के सरकार के फैसले का जहां सत्ता पक्ष के लोगों ने स्वागत किया, वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। बिहार सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर लिए गए निर्णय का बिहार का जन जन स्वागत करता है। इस निर्णय से केवल बिहार को कोरोना संक्रमण से ही नहीं बचाया गया है, बल्कि संवैधानिक संकट से भी बिहार को उबार लिया गया है। पंचायत परामर्शी समिति बनाकर जहां पंचायत के जनप्रतिनिधि भी होंगे वहीं प्रशासनिक के लोग भी होंगे, दोनों के समन्वय से बिहार के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। ये स्वागत योग्य कदम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री बिहार प्रदेश नीतीश कुमार जी विकास के जनक हैं, बिहार के विकास के जनक हैं, तो ये 15 तारीख के बाद किसी भी पंचायत के काम बाधित न हो, पंचायत में विकास का काम न रुके, इसके लिए उन्होंने संशोधन कर 15 तारीख के बाद भी मुखियाओं का जो पावर है उसको एक परामर्शी समिति के अंतर्गत संगठित कर और पुनः पंचायतों के विकास के लिए जो उन्होंने कार्य किया है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सहर्ष दिल से धन्यवाद देते हैं। पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाया गया है। कोरोना कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते निश्चित बढ़ाना चाहिए था, चुनाव नहीं होना चाहिए। चार राज्यों में जो चुनाव हुआ वो भी गलत हुआ था। मेरा आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप चुनाव बढ़ाएं अच्छी बात है, लेकिन जो भी प्रतिनिधि हैं उनको जो है पावर्स उनके पास रहने दीजिए। अगर आप पदाधिकारियों को पावर देंगे उसको काम करने के लिए, एक एक जनता तक विकास नहीं पहुँचेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के ठेकेदारी 16 वर्षों से लगातार कर ही रहे थे, मन नहीं भरा, जिसके कारण अब महात्मा गांधी के सपनों को चूर करते हुए वह पंचायतों का ठेका लेना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का हत्या माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों एक बार फिर होने का काम किया। तो कानून में संशोधन करके ये शक्ति जो है वो दी जाएगी। पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन को लेकर अब जो विपक्ष है वो भी हमलावर अंदाज में नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें, कोरोना के चलते कहीं ना कहीं सभी को लग रहा था कि इसको बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन कल जिस तरीके से फैसला लिया गया है, क्या लगता है वाकई अब जिस तरीके से विपक्ष हमलावर अंदाज में नजर आ रही है, ऐसे में कई खामियां ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब समिति का गठन होगा उनको यहां पर शक्ति दी जाएगी तो उसका कितना फायदा आम जनता को होगा या नहीं होगा?
देखिए एक चीज जो है वो स्पष्ट तौर पर समझने की जरूरत है जी, क्योंकि जब भी पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव होता है तो ये दलीय आधार पर नहीं होता है, ये दल के आधार से अलग होता है, इनका स्वतंत्र रूप से चुनाव होता है जी। लेकिन जो ये विवाद खड़ा हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं सदस्य हैं उनको कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है, अपने फेवर में लाने की कोशिश हो रही है। इसी वजह से विपक्ष ये चाहता था कि एक्सटेंशन दिया जाए उन्हें, जो जिस पद पर अभी पंचायत प्रतिनिधि हैं उन्हें एक्सटेंशन दिया जाए जब तक दोबारा चुनाव नहीं होता है तब तक। लेकिन सरकार इसको लेकर के तैयार नहीं हुई, सरकार को ये लगता है कि जो काम चल रहे हैं उसमें अगर एक समिति बना दी जाए, परामर्श समिति का जिक्र आया है, परामर्श समिति में पंचायत प्रतिनिधि के सदस्य भी होंगे और सरकार के भी सदस्य होंगे यानी अधिकारी भी होंगे, तो ऐसे में स्वतंत्र रूप से कोई पंचायत प्रतिनिधि अपना फैसला ले सकेगा ये कहना मुश्किल है। जब तक समिति में प्रस्ताव पास नहीं होगा तब तक कोई भी प्रतिनिधि अपना फैसला या अपनी इच्छा से काम नहीं करवा सकेगा, तो पंचायत प्रतिनिधियों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है और ये परेशानी भी है। लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा भी है, जिस तरह से विपक्ष या फिर रूलिंग पार्टी अपने मामलों में अपने दबों पर अड़ी है और विपक्ष खासतौर से इस मामलों को हाईलाइट कर रहा है, इस मामले को उसके पीछे साफ वजह है कि जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों सुशील मोदी ने भी और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कहा था कि ठीक है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हो रहे हैं लेकिन पार्टी ये कोशिश करेगी कि जो भी उनके समर्थित सदस्य खड़े होंगे चुनाव में उनको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन दिया जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर खेमेबाजी और लामबंदी कह सकते हैं शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पंचायत प्रतिनिधि इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर वो लोग खुश नहीं होंगे, वो लोग चाहते थे कि एक्सटेंशन मिले और आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी ने भी ये मांग की थी। लेकिन फिलहाल समिति का गठन होगा और समिति में कौन कौन लोग होंगे फिलहाल अभी फैसला नहीं हो पाया है, जल्द ही इस बात का खुलासा भी हो जाएगा जी। बिल्कुल आशुतोष, देखिए यहाँ पर दो बातें काफी अहम हो जाती है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा को साधने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, लेकिन अगर हम दूसरी बात का जिक्र करें तो क्या वाकई अब कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा आशुतोष? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। मैंने पहले भी कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बात ज़रूर होती थी कि पहले पंचायत प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से अपना फैसला ले सकते थे, लेकिन अब की परिस्थितियों में वो स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाएंगे क्योंकि 16 जून के बाद उनका कार्यकाल स्वतः समाप्त माना जाएगा। अब जो भी फैसले लिए जाएंगे वो सबकी सहमति से यानी समिति के सहमति से लिए जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर एक पाबंदी उनके साथ लग चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल है ये है कि ठीक है उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जो भी डेवलपमेंट से जुड़े काम होने चाहिए वो किसी भी स्तर पर न रुके, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि समिति में जो थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा, देखिए थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और स्वाभाविक तौर पर ये ज्यादा प्रेशर जो है वो सरकार के पक्ष में उसे किसी भी लहजे से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जितने भी पंचायत प्रतिनिधि थे वो चाहते थे कि उन्हें एक्सटेंशन मिले, और मैंने पहले भी कहा आपको कि यही वजह है कि उन पंचायत प्रतिनिधियों का सिंपैथी हासिल करने के लिए, समर्थन हासिल करने के लिए ही विपक्ष ने सरकार के फैसले का विरोध कर दिया है। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ने भी ये कहा था कि कार्यकाल जो है पंचायत प्रतिनिधियों का बढ़ा देना चाहिए, लेकिन सरकार उस मामले पर तैयार नहीं हो सकी है, और यही वजह है कि अब समिति के फैसले पर ही पंचायत प्रतिनिधियों को निर्भर करना पड़ेगा, जो खास तौर से अगर कहें उनके लहजे से पंचायत प्रतिनिधियों के लहजे से तो वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे और हो सकता है उनके मन मुताबिक काम ना हो। आशुतोष, क्या संशोधन कर देने से, बदलाव कर देने से डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल पाएगी, या फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा जो एरर है यानी कि जो दरारें हैं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि फैसला इसी के मद्देनजर लिया गया है कि जो विकास कार्य है वो बाधित ना हो, वो ना रुके। देखिए स्वाभाविक तौर पर है ये जो फैसला लिया गया है वो इसी के तहत लिया गया है कि डेवलपमेंट से जुड़े जो भी काम हो वो किसी तरह से बाधित ना हो, और इसके लिए इसको ठीक से चलाने के लिए अधिकारियों को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है सीधे रूप से। मैंने पहले भी कहा कि अब जो भी
काम होंगे वो समिति के फैसले के बाद ही काम होंगे, उनकी मंजूरी के बाद ही काम हो सकेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि कहीं इसमें कोई परेशानी आएगी, और कोई क्योंकि ये जरूर हो सकता है आशुतोष देखिए, और ये देखने वाली बात है कि क्या वाकई परेशानी आती है या फिर कानून में बदलाव से जो पावर प्लान तैयार किया गया है वो कामयाब होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट में हम आपसे लेते रहेंगे। तो लॉकडाउन 4 में कुछ रियायत दिए जाने के बाद अब राजधानी पटना करीब महीने भर बाद पुरानी रंगत में लौटता हुआ दिख रहा है। रियायतों के बाद इनकम